नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट के लिए मैंने बनाया है। स्टडी आईक्यू पिछले 2 साल से प्रयासरत है कि आप सभी का यूपीएससी एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा हो, करंट अफेयर्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो और यूपीएससी का सिविल सर्विसेज ही नहीं बल्कि एसएससी, बैंकिंग एग्ज़ाम्स और अन्य जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो LIC हो या फिर नाबार्ड हो या अन्य कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी में बेसिक जनरल नॉलेज और बेसिक GS का जो पोर्शन है वो आप स्टडी IQ के वीडियोस के माध्यम से आसानी से कवर कर सकते हैं और हज़ारों स्टूडेंट्स ने उसे कवर किया है और अपना ड्रीम जॉब हासिल किया है, उन्होंने सफलता हासिल करी है। पिछले 1 से 1.5 साल में हमारे पास कई बार ये रिक्वेस्ट आई कि जो हमारे वीडियोज़ हैं, जो लोग वीडियोज़ नहीं देख पाते हैं या फिर जो वीडियोज़ देखने का जिनके पास समय नहीं है, उनके लिए हम कोई इनिशिएटिव लेकर आएँ जिससे वो भी करंट अफेयर्स देख सकें कंपाइल्ड एक जगह पर। तो इसी क्रम में स्टडी IQ ने डिसाइड किया है कि अब हम मंथली करंट अफेयर्स मैगज़ीन आप सभी के लिए रिलीज़ करेंगे। हमने काफ़ी मेहनत करके इस मैगज़ीन को बनाया है, करंट अफेयर्स अप टू डेट पूरे महीने के हमने इसके अंदर डाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हैं। आप जब ये मैगज़ीन पढ़ेंगे तो आपका जो एक महीने का पूरा करंट अफेयर्स है वो 100 पेज के अंदर संक्षिप्त रूप में आ जाएगा और ये मैगज़ीन जो हमारे कोर्सेज हैं उनके साथ सप्लीमेंट का काम करेगी। तो अगर आपने स्टडी IQ के पेनड्राइव कोर्सेज लिए हैं तो आप स्टैटिक पोर्शन पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए जो आपको एक ग्रिप चाहिए, करंट अफेयर्स के लिए जो कटिंग एज चाहिए एग्ज़ाम में, वो आपको इस मैगज़ीन से मिल जाएगी। तो आप इस मैगज़ीन को कैसे एक्सेस कर सकते हैं या फिर मैगज़ीन का प्रारूप कैसा होगा मैं आपको अभी बताता हूँ। मैगज़ीन को एक्सेस करने के लिए आपको अपने ब्राउज़र में टाइप करना है upsciq.com। जैसे ही आप upsciq.com पे जाएंगे आपको अक्टूबर महीने की मैगज़ीन दिख जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो जैसे ही आप लिंक पर जाएंगे आपको अक्टूबर महीने की मैगज़ीन दिखेगी। अब इसमें आपके पास 2 ऑप्शन हैं। जब आप रीड मोर पर क्लिक करते हैं तो या तो आप मैगज़ीन को हमारे वेबसाइट के इनबिल्ट रीडर के अंदर पढ़ सकते हैं, तो आप इस रीडर के अंदर भी पढ़ सकते हैं, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है इसे डाउनलोड करने का। तो अगर आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हैं तो ये एज अ PDF डाउनलोड हो जाएगा और आप इसे अपने फ़ोन या फिर किसी भी अन्य डिवाइस में सेव करके जहाँ भी आप पढ़ना चाहें वहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब चर्चा करते हैं मैगज़ीन के बारे में। तो मैगज़ीन का बेसिक फॉर्मेट ये रहेगा कि इसमें आपको टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज आपको अलग अलग करंट अफेयर्स बटे हुए मिलेंगे। तो जैसे सबसे पहला सेक्शन है टॉपर स्टॉक। पहली मैगज़ीन में हम आपके लिए स्पेशली ऑल इंडिया रैंक 1 मिस्टर अनुदीप दुरीशेट्टी का इंटरव्यू लेकर आए हैं। उनकी गाइडेंस हैं, टिप्स हैं कैसे आपको यूपीएससी मेंस के लिए पढ़ना है, GS के अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, क्या बुक लिस्ट रहेगी। तो रैंक 1 की जो स्ट्रैटेजी है उससे हमने अपने पहले महीने की शुरुआत करी है टॉपर स्टॉक में। फिर उसके बाद पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जितने भी नए स्कीम्स आई हैं, पॉलिसीज़ आई हैं गवर्नमेंट द्वारा, वो आपको यहाँ पे कंपाइल्ड मिलेंगी अक्टूबर मंथ की। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस का सेक्शन है, उसके बाद सेक्शन है इकोनॉमी का और उसके बाद में एक सेक्शन है एनवायरनमेंट का। तो ऐसे सेक्शन वाइज पूरा GK आपको डिवाइडेड मिलेगा। लास्ट में आपको इस GK, इस महीने की GK के ऊपर बेस्ड प्रिलिम्स के क्वेश्चंस हमने रखे हैं जो आपके नॉलेज को टेस्ट करेंगे। एक बार आपने मैगज़ीन पढ़ ली है तो उसके बाद आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करके आपको अपनी प्रिपरेशन पता चल जाएगी, आपने कितना पढ़ा है उसमें से कितना रिटेन किया है ये आप देख सकते हैं। तो ये प्रिलिम्स कैप्सूल जो है इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और इनके आंसर्स भी मिलेंगे और फाइनली UPSC मेंस की आंसर राइटिंग भी आपको मिलेगी, वो आपको मैं आगे बताता हूं। तो देखिए, ये है टॉपर स्टॉक मिस्टर अनुदीप दुरीशेट्टी द्वारा, पूरी उनकी स्ट्रैटेजी बुक लिस्ट सारी उन्होंने बता रखी है, इसे आप डिटेल में पढ़िए। बहुत ही अच्छे मार्क्स आए थे इनके मेंस के अंदर, तो इनकी स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। फिर देखिए, जब आप मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, अगर आपने PM आशा का टॉपिक लिया पॉलिसी एंड गवर्नेंस के अंदर, आशा, PM आशा क्या है, अब आप चाहे तो यहाँ से उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको पढ़ने के बाद भी कोई डाउट है या फिर आप इस लेक्चर को सुनना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए। ये जो फोटो दिख रहा है आपको, इस फोटो पे आप क्लिक कीजिए, हर टॉपिक के ऊपर जो भी फोटो बना हुआ है, और इससे आप सीधे वीडियो पे पहुंच जाएंगे। अगर आप फोटो पे क्लिक नहीं करते या फिर QR कोड कहीं पे आप इसे पढ़ रहे हैं, प्रिंटआउट आपने ले लिया है और आप अपने मोबाइल पे वीडियो देखना चाहते हैं इसी से रिलेटेड, तो आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं, इसी आर्टिकल के वीडियो पे आपको सीधा ये ले जाएगा। तो जैसे अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, इस पे अगर हमने क्लिक किया, hey guys,
तो ये प्रशांत धवन सर का वीडियो आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे और आप चाहे तो वीडियो भी पूरा देख सकते हैं। अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि कुछ पॉइंट आप अपने आप से ऐड कर सकते हैं तो आप यहाँ पे नोट्स में, नोट्स का स्पेस हमने दिया हुआ है आर्टिकल्स के बाद में, यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप स्टडी आईक्यू के वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आप सोच सकते हैं कि मेरे लिए इसका क्या इस्तेमाल है। लेट से आपने ये वीडियो देख रखा है सेक्शन 377 का जो केस फैसला आया था। अब एक महीने बाद या दो महीने बाद क्या होता है कि आप चीज़ें भूलने शुरू कर देते हैं, आप रिटेन नहीं कर पाते। रिटेंशन के लिए रिविजन ज़रूरी है, और रिवाइज आप कैसे कर पाएंगे जब आपके पास सारा मैटर एक जगह कंपाइल्ड हो। तो या तो आप इतने मेहनती हैं कि आपने वीडियो सुनते सुनते ही नोट्स बना लिए और अपने एक कॉपी के अंदर नोट्स कर रखे हैं। कायदे से हर मेहनती स्टूडेंट को ये काम करना चाहिए, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट ये काम नहीं करते हैं इसलिए हमने ये बीड़ा उठाया है कि हम ये काम करके आप लोगों के लिए पहुँचाएंगे। तो यहाँ पे सेक्शन 377 की जितनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं आपको हाइलाइटेड मिल जाएंगी, जो इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट्स हैं वो बोल्ड में करे हुए हैं, जो आपको आंसर में लिखने में मदद देंगे। तो ये फ़ायदा होता है कंडेंस्ड मटेरियल का एक जगह मिलने से, कि इससे आपका रिविजन बहुत आसान हो जाता है। अब आप चाहें तो इसका प्रिंटआउट ले सकते हैं, प्रिंटआउट लेके पढ़िए, या फिर आप PDF सेव करके पढ़िए, आपकी मर्जी है। UPSC के प्रिलिमिनरी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हर मैगजीन में ऐड करने का फैसला लिया है। इन क्वेश्चंस की क्वालिटी काफ़ी हाई लेवल की रहेगी और ये क्वेश्चंस उसी महीने के करंट अफेयर्स पे बेस्ड होंगे। UPSC के लगभग सारे प्रिलिमिनरी एग्जाम्स, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या फिर CDS हो या NDA हो, सब में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है हर क्वेश्चन पेपर में। खास करके सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा उसका योगदान है, परसेंटेज है। और वहाँ पे जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, उनमें से आपको सही गलत चुनना है, बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं, तो उसी की प्रैक्टिस हम आपको यहाँ पे करवाएंगे। इसके अलावा अगर आप SSC भी दे रहे हैं या फिर अन्य कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि नॉलेज आपका यहां से बढ़ेगा। और मैगजीन तो आपको पढ़नी ही है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, भारत के अंदर करंट अफेयर्स सभी में पूछे जाते हैं। प्रिलिम्स के बाद आते हैं मेंस पे। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर मैगजीन में 7 क्वेश्चन रहेंगे और इन क्वेश्चंस का आंसर आप खुद लिख सकते हैं और हमें सबमिट कर सकते हैं, और स्टडी आईक्यू की फैकल्टीज उन क्वेश्चंस को, उन आंसर्स को पढ़कर, आपके आंसर्स को पढ़कर आपको उन पे फीडबैक देगी। इस फीडबैक का फायदा ये होगा कि आप निरंतर अपनी लेखन शैली को बेहतर बनाते जाएंगे और आपको पर्सनलाइज्ड फीडबैक भी मिलेगा। लेकिन इसमें मेहनत आपकी है, आपको आंसर्स लिख के अपलोड करने पड़ेंगे, आपको आंसर्स करने पड़ेंगे सबमिट। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप पहुँच जाएंगे सबमिट वाले सेक्शन पे। तो ये जो एक क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कशन भी होगा, यहाँ पे आप अपने आंसर जो हैं वो पब्लिक भी कर सकते हैं। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आप यहाँ डिस्कशन पे जाते हैं तो आप अपना आंसर यहाँ लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से डिस्कस फोरम की तरह ये काम करेगा, डिस्कशन फोरम की तरह, और इसके ऊपर हमारे फैकल्टीज़ आपको अपना फीडबैक भी देंगे और अन्य लोग भी आपको फीडबैक दे सकते हैं। ये इस फोरम का सबसे बेस्ट पार्ट है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आपके आंसर को पढ़ेंगे, उसमें कोई एडिशन है, कोई गलती है, कोई सुधार किया जा सकता है, वो आपको पता चल जाएगा। और अगर आंसर अच्छा है जेन्युइनली तो आप खुद कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि मेरा आंसर काफ़ी अच्छा रहा। मैगजीन का आखिरी सेक्शन रहेगा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम से रिलेटेड MCQs, उनके आंसर्स, और उनके आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अगर आपको उस क्वेश्चन का सोर्स देखना है या फिर वीडियो देखना है तो आप यहां से वीडियो पर भी जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको डिटेल आंसर्स, डिटेल सॉल्यूशंस यहां पे मिल जाएंगे, और इस ये होगा मैगजीन का लास्ट सेक्शन। तो आई होप आप लोग मैगजीन को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करेंगे, पढ़ेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे और अपने एग्ज़ाम में सफलता पाएंगे। और हमने जो मेहनत करी है आपके लिए, उम्मीद करते हैं कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करके हमें सपोर्ट करके हमें भी मोटिवेट करेंगे कि हम निरंतर आपके लिए ये मैगजीन लाते रहें। स्टडी आईक्यू की पूरी टीम इस मैगजीन की मुहिम में जुटी हुई है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप सभी UPSC 2019 के एग्ज़ाम को एस करें, उसमें सफलता हासिल करें। अगर आपका मैगजीन से रिलेटेड कोई भी फीडबैक है, कोई सुझाव है, आप चाहते हैं मैगजीन में कोई एडिशन हो या फिर कुछ बदलाव किया जा सकता है, कोई और अच्छी चीज़ करी जा सकती है, तो आप हमें लिखें, ईमेल करें हमें upsciq@gmail.com पर। ये ईमेल आईडी है जो मैगजीन टीम तक पहुंचा देगा आपके सुझावों को। तो आप इस पे ज़रूर अपना फीडबैक दें हमें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे डाउनलोड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये जो शिक्षा की क्रांति है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।